शास्त्रों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व है। पंचांगकर्ताओं के अनुसार हर साल में सूर्य और चंद्र ग्रहण जरूर पड़ते हैं। जब जब सूर्य या चांद ग्रहण पड़ता है तब तब इसका प्रभाव सभी लोगों के जीवन पर जरूर पड़ता है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि अमावस्या तिथि के दिन सूर्य ग्रहण होता है। इस बार विश्व के भूगोल में आगामी शनिवार 14 अक्टूबर 2023 अमावस्या तिथि के दिन सूर्य ग्रहण बताया गया है, परंतु यह हमारे भारत देश में दृश्य नहीं होगा। यह सूर्य ग्रहण अमेरिका, अफ्रीका समेत अन्य देशों में कंकड़ आकृति यानी बहुत छोटी दिखाई देगी। इसलिए जिस क्षेत्र में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा उसी क्षेत्र में इसका मान्यता है। भारत देश यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए किसी प्रकार का नियम इस दिन मान्य नहीं है। अन्य दिनों के भांति इस दिन भी सामान्य रहेगी, यह भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान नहीं होगा। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने आगे और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। जैसे कि हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण होता है, तो इस बार विश्व के भूगोल में जो 14 तारीख अमावस्या के दिन शनिवार को सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है वह हमारे भारत देश में दृश्य नहीं है। यह ग्रहण जो है अमेरिका आदि अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में कंकड़ आकृति में, बहुत छोटी सी कंकड़ आकृति में दिखाई देगी। इसलिए सूर्य ग्रहण जिस क्षेत्र में दिखाई देगा उसी क्षेत्र में इसका मान्यता है। भारत देश में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए किसी भी तरह की नियम इसमें मान्य नहीं होगा। बाकी दिन की तरह ही इस दिन भी सामान्य रहेगा, सूर्य ग्रहण का किसी तरह का प्रभाव मान्य नहीं रहेगा।